हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतु आगे में आपका स्वागत है। तो हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं सामान वामान पैक करके गंगा स्नान के लिए। जैसा कि आप जानते हैं मैं हरिद्वार में हूँ, तो यहाँ पे हरली पौड़ी घाट पे हम लोग जाने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग गंगा स्नान करेंगे, फिर जो भी वहाँ पे टेम्पल है आसपास पूजा करेंगे। तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा हमें शॉपिंग भी करनी थी, तो क्यों ना चल के चला जाए। और मौसम भी थोड़ा सही था, ज़्यादा धूप नहीं थी, रात में बहुत आंधी तूफान आया था, तो बहुत मतलब ठंडा थोड़ा मौसम था। तो हमने पहले जूस वूस थोड़ा पी लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता गंगा स्नान में, तो फिर लेट हो जाती, इतने टाइम तक हम भूखे नहीं रह सकते हैं ना। तो जूस पी के फिर हम लोग आगे निकले। मुझे रुद्र और मेरे भाई और मेरी बेटी के लिए कुछ लेना था, महादेव का वो लिखा हुआ कुर्ता आता है, तो हम वही दुकान ढूंढ रहे थे कि कुर्ता ले लेते हैं तो फिर ये लोग पहन लेंगे, क्योंकि रूही को बहुत पसंद है। रूही बार बार बोल रही थी मम्मा कुर्ता लेते हैं, बोला ठीक है चलो ले लेते हैं। तो फिर हमें फाइनली एक कुर्ता का दुकान दिखा, वैसे था तो बहुत सारा लेकिन ये थोड़ा ढंग का लगा मुझे। तो हमने कुर्ता ले लिया, फिर वहाँ से हम आगे निकल गए घाट के लिए। तो रूही बोल रही थी उसको टोपी चाहिए, क्योंकि उसको धूप लग रही थी। हमने सोचा एक रुद्र के लिए भी ले ले, काफ़ी खूबसूरत इसके ऊपर लग रहा था, लेकिन इसको तो कुछ पहनना नहीं, ना ये जूते पहनता है ना ये टोपी पहनता है, सब वो निकाल के उसको मुंह में ही डालना है। तो फिर इसके लिए तो हमने ली नहीं, फिर रूही को कुछ पसंद आया तो फिर मैंने रूही के लिए एक कैप डिसाइड किया कि जो इसके साइज़ का होगा वो हम ले लेंगे। तो फिर रूही को ये वाला पसंद आया, आर्मी टाइप का जो है, तो हमने लिया। तो मैंने मेरे को भी थोड़े मज़े आ रहे थे, तो मैं देखी लगा के कि कैसा लग रहा है। तो आप लोग बताएं ज़रूर कि कैसा लग रहा है, लूँ पहनूँ या नहीं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से घाट काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग एक बार हरिद्वार ज़रूर आएँ, और यहाँ के जो मतलब खूबसूरती है, यहाँ पे जो टेंपल है वहाँ आप जाएँ और दर्शन करें, नहाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गंगा स्नान है, गंगा स्नान करें। बहुत ही ठंडा पानी रहता है और बहुत ही मज़ा आता है गंगा स्नान करने में, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो गाइस, जो जो टेंपल में फ़ोन ले जाना अलाउ है, वो सारे टेंपल को मैं आपका वीडियो में डालूंगी, पोस्ट करूंगी ब्लॉग में, और जहाँ पे अलाउ नहीं है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ की फ़ोन अपन कैमरा वो सब लेके जा नहीं सकते, तो वो वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोग उसके लिए मुझे माफ़ कर देना और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। तो मैंने सोचा कि पहले रुद्र को नहलाया जाए, क्योंकि रुद्र को नहला के फिर उसको रेडी करके मेरे को भाई के पास छोड़ना था, फिर मैं नहाऊंगी। तो मैंने रुद्र को नहला दिया, उसको रेडी करके अपने भाई के पास छोड़ दिया। फिर मैं और रूही मस्त नहाए, मतलब 10-15 मिनट तो मैं नहाई पानी में, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। अगर मेरे पास और टाइम होता तो मैं और नहाती। तो रुद्र रो रहा था, तो फिर मेरे भाई आके बोलने लगे कि रुद्र रो रहा है तो फटफट काम करके निकल। तो फिर फाइनली मैंने बहुत सारे डूब लगाए, फिर मुझे निकलना पड़ा ज़बरदस्ती का, क्या करूँ निकलना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे रोने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो निकलने से पहले थोड़ा गंगा माँ की पूजा की ले जाए। फिर जैसा कि हम मानते हैं कि गंगे में आरती दिखाना ज़रूरी होता है, तो फिर मैंने फूल वाले से फूल और वो आरती लेके फिर माँ गंगा को प्रणाम करके उनको दिए लगाए। मैंने हर जगह गंगा माँ को दिए दिखाए, क्योंकि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पे मेरी माँ गंगा है ही हर जगह। Thank you.
हे माँ सबकी आप भलाई करना, उसके पीछे हमारी भी करना। तो फिर आके चेंजिंग वहाँ पे कपड़ा चेंज कर दिया है, हमारा हाफ हो चुका है। तो यहाँ पे हमें कैंपिंग करने चल दिया। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप हमें कमेंट में बताएं। ये इंडियन आर्मी की कैप है। और मामू क्या हाल चाल है? ओके। तो फिर हम लोगों ने टीके वीके लगाए महादेव के नाम का, रूही को लगवा दिया क्योंकि रूही को बहुत पसंद है मेरे महादेव के नाम का टीका लगाना। और मेरा बेटा जो रुद्र है वो तो हाथ नहीं लगाने देता फेस पे, उसको तो कितना पकड़ो कितना भी पटाओ, मैंने बोतल देके पटाया, लेकिन वो मिजाल है कि वो आप लोग उसको टीका लगा पाओगे नहीं, वो नहीं लगाने देता है, उसको पता नहीं बच्चे हैं उसको नहीं समझ है नहीं लगाने। तो हमने थोड़े से फ़ोटो शोटो खींचे क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह थी, तो एक यादें हमने कैद की। फिर वहाँ से हम लोग मंदिर के लिए, यहाँ पे मंदिर है गंगा माँ का, बहुत सारे टेंपल है, महादेव भी है, तो हम मंदिर के लिए वहाँ से निकल गए दर्शन पूजा करने के लिए। यहाँ पे शाम की आरती में इतनी भीड़ होती है कि गाइस आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मेरा जो अगला ब्लॉग आने वाला है उसमें मैं आरती पोस्ट करने वाली हूँ, और बाकी मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, क्या क्या किया मैंने, वो सारे चीज़ें पोस्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखें और आपको बहुत ही मज़ा आएगा देख के, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यहाँ की आरती क्या होती है और इस पर क्राउड कितने होते हैं। हमने तो बहुत मस्ती की, हमें तो बहुत मज़ा आया। हम तो आप लोगों से हमेशा यही कहते हैं कि जब भी बच्चों की गर्मी छुट्टी हो या जब भी कुछ भी मतलब आपको टाइम मिले तो आप घूमने के एक प्लान करें, और जितने भी हमारे टेंपल है हम जहाँ पे जा सकते हैं पॉसिबल है आप लोग वहाँ पे आएँ, और हरिद्वार तो ज़रूर आएँ। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई, फिर हम लोग वहाँ से होटल के लिए निकल गए। थोड़ा सा भूख लग रही थी तो हमने सोचा थोड़ा लस्सी क्यों ना पिया जाए, यहाँ पे लस्सी काफ़ी खूबसूरत और टेस्टी मिलता है, तो हमने थोड़ी लस्सी पी। तो गाइस अब मैं होटल के लिए निकल गई। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें और सपोर्ट करें, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट्स करें।